Hi students, welcome to Sri Ram Coaching Classes. Today I am teaching you practice set 21, standard 7th. Okay? इसके आगे के पहले जो वीडियो मैंने लिया था उसके पहले वीडियो में मैंने पूरा बेसिक इसमें व्हाट इज एक्सटीरियर व्हाट इज इंटीरियर एंगल सब बताया है. सो फर्स्ट क्वेश्चन इज एंगल ए सी डी इज द एंगल ए सी डी इज द एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल ए बी सी. अभी ये जो ट्रायंगल है ओके ये जो ट्रायंगल है ए बी सी ओके तो ए बी सी का ये जो एंगल है एक्सटीरियर एंगल वो है 140 डिग्री. ए सी डी का ये जो ए सी डी का मेजरमेंट है वो है 140 डिग्री. फाइंड द एंगल ऑफ मेजर ऑफ एंगल ए एंड एंगल बी. तो हमें ए एंड बी का मेजरमेंट ढूंढना है. अभी यहाँ पे देखो कि यहाँ पे ये जो ट्रायंगल है ये ट्रायंगल में ये वाला है तो एक्सटीरियर एंगल है ये 140 है. तो इसका मतलब ये बताओ दोनों का ये जो दो एंगल है उसका एडिशन कितना रहेगा क्योंकि ये रिमोट है रिमोट एब्सोल्युटली राइट. सो नाइस 140 है. 140 हाँ गुड. तो और ये जो एंगल यहाँ पे एक दिखाया गया है ये और ये दोनों एंगल इक्वल है. मींस हमें क्या करना पड़ेगा कि दोनों इक्वल है इसका मतलब 140 है उसका हाफ करना पड़ेगा. मैं शॉर्ट में पहले बता रही हूँ बाद में इसमें पढ़ाने वाली हूँ. 2 1 2 2 7 14 और ये 0 तो इसका मतलब ये भी 40 है और ये भी सॉरी ये भी 70 है और ये भी 70 है. तो हाँ तो दोनों भी इक्वल है. 70 प्लस 70 करेंगे तो 140 ही आएगा ऑब्वियसली. तो ये हाँ तो इसका मतलब ये हमें समझ में आ गया. ओके सो लेट मेजरमेंट ऑफ एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी इज इक्वल टू एक्स. दोनों को हमने एक्स पकड़ा एक्स डिग्री ओके. तो यहाँ पे ये भी एक्स और ये भी एक्स ओके. अभी देखो दोनों है एक्स एक्स. अभी बाय द प्रॉपर्टी ऑफ रिमोट एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल. रिमोट एक्सटीरियर एंगल की जो प्रॉपर्टी है उसकी हिसाब से ये एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ए सी डी इज इक्वल टू एंगल ए सी डी ये वाला ओके. तो चलो यहाँ पे एंगल ए सी डी इज इक्वल टू एंगल ए प्लस एंगल बी. तो ए सी डी का वैल्यू मैंने डाला 140 डिग्री. एंगल ए का वैल्यू मैंने डाला एक्स. बी का भी मैंने वैल्यू डाला एक्स. तो एक्स और एक्स अभी यहाँ पे देखो 140 इज इक्वल टू एक्स प्लस एक्स कितना हुआ 2x. अभी मुझे सपोज एक्स करना है एक्स इज इक्वल टू करना है तो ये जो 2 है ये डिवाइड में चला जाएगा. जैसे कि यहाँ पे 140 डिवाइडेड बाय 2 2 1 2 2 7 14 और 0 तो x इज इक्वल टू वी गेट आंसर 70. तो इस ये भी x है और ये भी x है इसका मतलब एंगल a इज इक्वल टू 70 एंड एंगल b इज इक्वल टू ऑल्सो 70 डिग्री. समझ में आया तुम दोनों को? यस ओके. अभी यहाँ पे वेरी गुड. Using the measure of the angles given in the figure, find the measures of remaining 3 angles. बहुत इजी है हम लोग करेंगे अभी ओके. यहाँ पे तुम लोग देख सकते हो एंगल बी ओ सी मीन्स ये वाला एंगल बी ओ सी
इज इक्वल टू एफ ओ ई, यहाँ पे देख सकते हो एफ ओ ई, ये जितना है उतना ही ये है। अभी पहले ना मैं तुम लोगों को थोड़ा ब्लर दिख रहा है इसलिए मैं दिखाती हूँ, ये ऐसी यहाँ पे फिगर ड्रॉ की गई है, कितने हैं, थ्री हैं। ये है और ये भी एक है। यहाँ पे क्या किया गया है, सपोज यहाँ पे ये दिया गया है 4y, ये देखो ये जो तीन एंगल हैं, सपोज हम देखेंगे तो ये है हमारे लिनियर एंगल्स, क्या है तीनों भी, ये देखो लिनियर एंगल, ये देखो ये पूरा लिनियर एंगल है, और लिनियर एंगल का एडिशन कितना होता है, ये प्लस ये प्लस ये इज इक्वल टू कितना आएगा, जल्दी 180, वेरी गुड 180 डिग्री। अभी यहाँ पे देखो कि ये है हमारा 4y, बाद में ये दिया गया है यहाँ पे 6 है शायद, मेरा थोड़ा सा ब्लर है, 4y 8y और 6y, यहाँ पे है 8y, ओके यहाँ पे है 6y। अभी देखो यहाँ पे 4y है, इसका मतलब ये भी 4y ही है, क्यों, अपोजिट एंगल ट्रायंगल, क्यों अपोजिट, और ये 6y तो ये भी कितना हुआ 6y, बिकॉज अपोजिट एंगल ट्रायंगल, ओके। तो इसका मतलब ये अभी तीनों देखो 6y प्लस 8y प्लस 4y, ये देखेंगे तो ये तीनों जो है वो है लिनियर एंगल, तो इसका मतलब 6y प्लस 4y प्लस 8y इज इक्वल टू 180 डिग्री, ये तीनों का हम लोग एडिशन करेंगे तो वो आएगा 180 डिग्री, ओके। तो अभी देखो यहाँ पे 180 डिग्री है, तो अभी ये तीनों का हमने क्या किया, ये वाई वाई वाले जो है ये है 8y प्लस 4y प्लस 6y इज इक्वल टू 18y, 8 प्लस 4 प्लस 6 हमें आंसर मिला 18y, और 4 वैसे की वैसा, ओके, और ये 180 भी वैसे की वैसा। अभी देखो y तो वैसा ही रहा, 18 इधर जाते वक्त वो हुआ डिवाइड में, सो 18 यहाँ पे 18 वन जा 18, 18 टेन जा 180, सो y इज इक्वल टू 10, y का वैल्यू कितना मिला हमें, अभी 10 मिलने के बाद पहला वाला जो है 8y हम उसका निकालेंगे वैल्यू, 8y इज इक्वल टू 8 इंटू 10 कितना आया 80 डिग्री। दूसरा है ये 8y का वैल्यू हमें मिला, दूसरा है 4y, 4y इज इक्वल टू 4 इंटू वाई की वैल्यू कितनी है, तो यहाँ पे कितना आंसर आएगा 40 डिग्री, और 6y मीन्स 6 इंटू 10 तो वो कितना आएगा 60 डिग्री। तो इस तरह से हमने ये पूरा वैल्यूज निकाले, यहाँ पे 40 डिग्री, यहाँ पे 60 डिग्री, और यहाँ पे 80 डिग्री, ओके।
मेजरमेंट एंगल ए ओ बी, यहाँ पे एंगल ए ओ बी, ये जो है ये, और इसका अपोजिट वाला हाँ ई ओ डी, ये दोनों भी कितना हुआ एट, एट वाई है मीन्स 80 डिग्री। पी ओ सी, अभी ये 6y है और ये दोनों मीन्स 60 डिग्री, और ये 4y है मीन्स 40, तो इसका अपोजिट वाला भी आएगा 40 डिग्री। हाँ, तो इस तरह से हमको क्या करना है, उसके मेजरमेंट्स निकालने हैं। अभी हम क्या करते हैं कि ये जो है ये दो सम्स आज हम लेते हैं, बाकी के जो सम्स है वो हम नेक्स्ट वीडियो में लेंगे। या हाउ मेनी रिमेनिंग देयर, ओके तो कर लेते हैं, चलो वन रिमेन देयर ओनली। हाँ, द मेजर ऑफ ए एंड बी ऑफ एन आइसोस्केलेस और एंगल ए बी सी आर इक्वल, एंगल ए सी डी इज द एक्सटेरियर एंगल, एक्सटेरियर एंगल हु इज द, एक काम करते हैं ना, ये तीसरा वाला नेक्स्ट वीडियो में ही लेते हैं, जाने दो।